हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे शो। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि भैया हम जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट किए, ओके पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिए, सीसीएफ काउंसिल में पार्टिसिपेट किए, तो अगर हमको मान लेते सीट नहीं लेना हो गया फिर विदड्रॉ करेंगे तो कब किस किस सिचुएशन में हमको रिफंड मिलने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने केस यहाँ पे कवर कर लिया, एवरीथिंग। कोई भी केस में अप्लाई करते हो आप वीडियो को ध्यान से देखो लास्ट तक, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको रिफंड कितना मिलेगा और किस किस सिचुएशन में आपको रिफंड मिल सकता है, ओके। सो जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और जो लोग अभी तक सीएसबी काउंसिलिंग हेल्पडेस्क नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। काफी कम सीट बचा हुआ है, ओके, क्योंकि फिर बाद में इसका प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपके जो डिस्काउंट वाले लिंक था उसको क्लोज कर दिया था, ओके। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद आपका एक दो दिन में इसका प्राइस ट्रिपल नाइन हो जाएगा, ओके। इसमें आपको इस बार जो भी कटक वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ एवरीथिंग यू आर गेटिंग, ओके। सो जरूर ज्वाइन करिएगा, काफी अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ओके। अब बात करते हैं कि आपका किस किस केसेस में आपके फी रिफंड होंगे। पहला केस क्या है कि आईआईटी में आपको मान लेते हैं राउंड सिक्स तक आईआईटी मिला, ठीक है, और आप आईआईटी में एडमिशन नहीं लेते और सीएसबी काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कर सकते हो आराम से पार्टिसिपेट, बट आपको सीसीएफ में गए और आपको लाइक वहाँ पे कोई एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला होगा, तो क्या आपको जो आईआईटी में मतलब जो सर आपने फी पे किया होता वो आपका पैसा रिफंड होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इस केस में आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ओके। दूसरा केस क्या, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीसीएफ राउंड वन में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, या फिर आपने जो जोसा में आपको सीट मिला उसको रिटेन करते हुए, उसको कन्फर्म करते हुए, कन्फर्म इन द सेंस कि मतलब पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद आप सीसीएफ राउंड वन में गए और आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, ये केस है। और एक और में ये भी केस है कि आपको पहली बार सीट मिल रहा है, समझ में आया? तो इन दोनों केस में किस किस कंडीशन में आपको रिफंड हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी है तो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस केस में भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तीसरा केस क्या है कि आपने विथड्रॉ कर लिया तो भी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। चौथा केस क्या है कि आपने सरेंडर किया, सरेंडर इन द सेंस कि मतलब आपको जो सीट मिला वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, अगर जोसा में जो सीट मिला वो भी कैंसिल हो जाएगा और जो आपको सीसीएफ राउंड वन में मिलेगा तो ऑलरेडी जोसा वाला कैंसिल हो जाएगा, और सरेंडर करोगे तो सीसीएफ में जो मिला वो भी कैंसिल हो जाएगा, और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सेकंड राउंड में भी अगर कोई सीट नहीं मिलता तो आपका पैसा रिफंड होगा चारों केस में, लेकिन इसमें एडिशनल 3000 डिडक्ट होगा, मतलब कि जोसा का आपका जो प्रोसेसिंग फी होगा वो भी कटेगा, सीसीएफ का प्रोसेसिंग फी भी कटेगा और आपका एक्स्ट्रा 3000 भी डिडक्ट होगा, समझ में। अब नेक्स्ट क्या है कि किस केस में रिफंड नहीं मिलेगा, अगर आप राउंड टू के बाद आपको सीट मिलता है और आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, मतलब कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो, तो इस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि आप लाइक आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फी राउंड टू में नहीं पे करते हो सीट मिलने के बाद, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इस केस में कोई रिफंड नहीं मिलता है। तो ये मैंने सारा केसेस कवर कर दिया जिस जिस केस में अप्लाई करते हो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिफंड किस किस कंडीशन में आपको मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक है, मैंने बताया कितना कितना डिडक्ट होगा, ओके। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होता कमेंट करिए या फिर सीएसबी काउंसलिंग हेल्पडेस्क जरूर ज्वाइन करिए, ओके। सो थैंक यू सो मच।